पे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम हो गया हमारे न्यू व्लॉग में। आज का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं अभी एक दावत पे, उधर दावत से फिर जाना है हमने चकाई पार्क। बाबा जी जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, आगे फ्रंट सीट पर अब्दुल वहाब और जहीरुद्दीन में बैठे हैं, तो मैं पीछे बैठ गया। ये आप देख सकते हैं, ये बारिश का पानी एक जगह पर खड़ा होने की वजह से एक तालाब टाइप बन जाता है, हम इसको बोलते हैं बंद। तो ये आगे जी हम लोग जिधर हमारी दावत है उनके घर पे आ गए हैं। ये अबू ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया, आप देख सकते हैं बहुत धूप है जी, गाड़ी हमने धूप पर ही खड़ी कर दी। ये जब घर के अंदर गए तो इन्होंने अपना जी पकड़ना पकड़ाई लगाया हुआ था, ये खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़े थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये जानवरों के लिए पड़ा हुआ है जी पीने का पानी। जैसा कि आपको जहीरुद्दीन में भी बताया कि ये दीवार के ऊपर जो लगा हुआ ये फोस है, ये जी काम आता है रात को मच्छर भगाने के काम आता है, और ये बेचते भी हैं सुखा के। अच्छा, ये कुत्ता बैठा हुआ है, हम लोग इसके पास गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये काट जाएगा, फिर हम लोग इससे दूर हट गए। ये अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और फिर आपको मिलते हैं दावत खा के। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़। फिर हम लोग आगे दावत खा के अभी जा रहे हैं हम लोग चकाई पार्क, अभी आपको जाके मिलते हैं चकाई पार्क, तब तक आप व्यू के मजे लें। वो सामने आप देख सकते हैं जी गोल वाला झूला नजर आ रहा है, इसका मतलब है हम लोग बिल्कुल पार्क के पास पहुंच रहे हैं। ये आ गया जी हमारा चकाई पार्क, हम लोग गेट से एंटर होते हुए ये जा रहे हैं, तो फिर अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी तरक्की हुई है। पहले एक दफा आए थे लेकिन ये चीजें इतने झूले वगैरह नहीं थे, ये शेर भी नहीं लगे हुए थे, माशाल्लाह अभी शेर भी लग गए। अच्छा जी, टिकट और लेडीज जेंट्स हम लोग जा रहे हैं जेंट्स वाली जगह से, और ये माशाल्लाह ये देखें जी एंट्री टिकट 50 रुपये, बहुत अच्छे जी, बहुत मुनासिब एंट्री टिकट है कि हर आम बंदा भी अंदर जा सके, ये बात भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इस बंदे को मैंने अपनी जबान में बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, क्यों ये बंदा एकदम उठा चेकिंग के लिए कि आपके पास कुछ पिस्टल वगैरह कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। चलते चलते मुझे मस्ती सूझी और मैंने अब्दुल वहाब के पांव पर पांव रख दिया, जिसकी वजह से इसका शूज उतर गया। पार्क में मेरी और अब्दुल वहाब की सबसे फेवरेट चीज ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिनों में नजर आ गया, और हम जा रहे हैं अभी ट्रैम्पोलिन के टिकट लेने के लिए। लेकिन अफसोस कि ये ट्रैम्पोलिन सिर्फ बच्चों के लिए थी, बड़ों के लिए नहीं थी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक जंपिंग वर्ल्ड का थे इसको। चलो जी चल 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 जल्दी कर, चल अब हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइंग शिप पर। अब्दुल वहाब छोटा था और सेफ्टी नहीं थी, इसलिए अब्दुल वहाब को नहीं बैठाया हमने। अब ट्राई करते हैं जी जिप लाइन इधर की कैसी है। ये हमें जी सेफ्टी पे ना रहे हैं, ये ऊपर उसके साथ था, जिप के साथ लगी होगी और हमें एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा। ऊपर से माशाल्लाह ये देखें जी कितने मजे का व्यू नजर आ रहा है, पूरा चिकाई नजर आ रहा है जी, वो देखें डैम। अच्छा, अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, फिर उधर से उस पॉइंट से फिर वापस जिस पॉइंट से हमने पहले शुरू किया था उस पॉइंट पर उतरेंगे नीचे। ये एक पॉइंट खत्म हो गया, अभी यहाँ से बैठेंगे दूसरे पॉइंट से, ये जी यहाँ से भी शुरू हो गया। Oh, good, good, good.
लैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल लगी, सारी रेत जो थी वो मेरे पाँव में घुस गई थी शूजों में। मोशन राइड लिखा हुआ देखा तो मैं खुश हुआ कि ये मोशन राइड भी है जी इधर। फिर पता चला कि ये बच्चों की कार्स हैं। फिर दुलाब ने कार चलाई, और निकलते निकलते जी नजर आ गई हमें तुर्किश आइसक्रीम। क्यों ना तुर्किश आइसक्रीम दी जाए। चलें जी, बहुत झूले ले लिए, बहुत मस्ती मजाक कर ली, अब चलते हैं घर को। जब घर के लिए निकल रहे थे तो अचानक प्रोग्राम बन गया कि जाते हैं भीड़। तो ये देखें जी भीड़ जाते हुए। आते हुए भीड़ के बाजार से हम लोगों ने ले लिए कुछ पकोड़े, समोसे और बोतल वगैरह के, उधर बैठ के थोड़ा सा खाएंगे और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। इधर से जी हम लोग पहुंच आए हैं बिल्कुल पुल के पास। अब देखते हैं, ढूंढते हैं गाड़ी किधर पार कर सकते हैं। हम छांव पे गाड़ी पार करते हैं और छांव पे साथ बैठ जाते हैं। मैं बताऊं ना तो फैमिलियर होना मेरा है, ये ना मैं सॉन्ग पर फैमिलियर ले थोड़ा सा सही हूं। मैं ये देखें जी हमारी सिंपल सी रिफ्रेशमेंट। ये अबू ज़ेरुद्दीन भाई और साथ अब्दुल वहाब साथ में। ये ठीक है। वापसी पे जी हमने सोचा कि चले पुराना एक लकड़ी का पुल है इस पे भी हो जाते हैं। ये देखें जी कुदरती तौर पर बनी हुई है इधर सीढ़ियाँ। हम लोग पहले दूसरे रास्ते से आए थे, इधर हमें ये पत्थर ऐसे नजर आए तो हमने सोचा कि चलेंगे उन्हें इधर से ऊपर जाया जाए। और इतना घूमने के बाद जी अभी वापस घर जाते हुए बिल्कुल थकावट से बुरा हाल। और ये देखें जी हम लोग जो आते हुए आपको दिखाया था कि बारिश का पानी खड़ा हो जाता है और जिस छोटा सा तालाब बन जाता है जैसे हम बोलते हैं अपनी जबान में बन, ये नज़र आ रही है। फिर से इसके पास से गुजर रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।